गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में अपराधियों के खात्मे के नाम के ऊपर जिस प्रकार से निर्दोष लड़कों के गोली मारी जा रही है, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त के लायक नहीं है। अपराध नियंत्रित होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन अपराधियों को चिन्हित करके मारा जाना चाहिए। ये टांग में गोली मार करके पुलिस के हाथ से गोली छूकर निकल जाए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा जिस प्रकार से इन लोगों को, जो गांव के अपने देहात के आपसी रंजिश के मुकदमे हैं, उनको भी अपराधियों की श्रेणी में रख करके मारने का काम किया जा रहा है। कल भी एक लड़के को बिहारीगढ़ की पुलिस ने गोली मारी। लड़का वो मजदूरी कर रहा था, उससे पहले उसका चालान फर्जी तरीके से किया गया और कल उठा करके उसको टांग में गोली मार दी गई। अगर कोई अपराधी है तो अपराधी के सीने में गोली मारिए। अपराधी का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। आपको अगर लगता है कि अपराध में है तो उसको सीधे मारा जाना चाहिए। हमें इसकी समर्थन नहीं करता कि अपराध के ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अपराध को उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का नियंत्रण हो नहीं रहा है, लेकिन लोगों को गोली मारी जा रही है। मैंने कल SSP साहब से अपने यहाँ सहारनपुर के मामले में बात की थी और हमने कहा था कि अगर इस प्रकार से आपका रवैया रहेगा तो हम लोग संघर्ष के लिए बाध्य होंगे। हम लोग संघर्ष इसके खिलाफ करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार से लड़कों के जो उठा करके आप अर्जी फर्जी तरीके से गोली मार रहे हो, ये गोली मारने का काम किसी सूरत में हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद।